भाइयों, आज मेरे अजीज दोस्त, सच्चे दोस्त, मेरा दिल से दिल लगाकर चलने वाले मेरे लखन भाई का आज जन्मदिन था। ये ऐसा कशिश है इन दोनों के बीच में, मुझे मालूम नहीं था कि आज उनका बर्थडे है। फिर भी मैं यहां से गुजर रहा था, एक कहावत है, अल्लाह वालों को देखे कदम आगे नहीं बढ़ाना है। तो मैंने देखा कि मेरे भाई का दुकान में मौल साहब बैठे थे, मैं गाड़ी रुकाया, आके सलाम अदा किया मौल साहब को, कहाँ है लखन भाई बोले तो उन्होंने बोला दो मिनट में आते हैं साहब। बहुत खुशी की मौके है आप आए बोल के मेरे को बता दिए, लखन भाई का आज जन्मदिन है साहब, आप आए बोले तो मेरे को इतना खुशी हो गया कि मैं फौरन चले गया और पूरा मिठाई लेके मेरे साहब को, मेरे दोस्त को, मेरे भाई को सम्मान करना बोल के सोच के आज आ गया। वहां पर मेरे को बोले लोग कि डीजल नहीं मिल रहा, गाड़ी कहीं तो रुकेगा, बोला मैं उसको नहीं डरता, मेरे खून में जो दौड़ रहा है वो गाड़ी लेके मैं जाऊंगा, मेरे दोस्त को वहां पर मैं सम्मान करके आऊंगा। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, हम दोनों को मिलाया है, हमारे बीच में कुछ रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो अल्लाह ताला ने बनाया है। हमारी दोस्ती सही सलामत रहने दे बोल के मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ। और हमारी मौल साहब है, हमको हमेशा अच्छे रास्ते में लेके चल रहे हैं। जैसा आज तो हम टिप्पू साहब को नहीं देख सकते हैं, उनके सच्चे बंधुओं को आज देख सकते हैं। उनको अगर हम सम्मान करें, उनको हम सराखों पर रखें, तो टिप्पू साहब भी खुश हो जाते हैं जन्नत में, मैं ऐसा समझता हूं। इसलिए आज मैं यहां पर मौके पर आ गया हूं। ये सब आप सबकी दुआ है, हमारे साथ में है। चलो हम सब मिलकर इस देश को, इस मुल्क को खुशी से बनाएंगे, ये सब मैं चाहता हूं दिल से। हमारी मौल साहब से आप दुआ करें, हम सब ऐसे मिलकर इस देश को खुश करते जाएंगे बोल के सोचते, मेरी चार शब्दों को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ऐसे ही अल्लाह ताला की हम सबके ऊपर मेहरबान रहे, उनकी हम सबको खुशी से रहने के वास्ते दुआ करें बोल के मैं सोच के मेरी चार शब्दों को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। और मेरा भाई हमेशा ऐसे हंसते रहे, सबकी मदद करते रहे बोल के गुजारिश करके मेरे दो शब्द मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। शुक्रिया।